हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सीआरटीटीवी रिपेयरिंग का ये तीसरी वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर जो आई बटन दिख रहा होगा वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्टिकल सेक्शन के बारे में कि अगर वर्टिकल सेक्शन में कुछ गड़बड़ी आए तो किस किस तरीके का प्रॉब्लम हो सकती है हमारे टीवी के अंदर, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए इस तरह की तो हम किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं, और हमें वर्टिकल सेक्शन में कहाँ पे कितना वोल्टेजेस मिलना चाहिए, और तो और कि वर्टिकल सेक्शन का जो मेन आईसी है वो आईसी किस तरह से कनेक्टेड रहता है, उन सारे चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे इसी वीडियो के ज़रिए। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो जैसे गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये रहा हमारा जो मेन वर्टिकल सेक्शन है, और इस सेक्शन का जो मेन आईसी होता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 7 पिन का आईसी होता है, जिसका नंबर भी गाइस बहुत ही कॉमन सा आईसी होता है। यहाँ पे जो कॉमन आईसी लगा रहता है उसका नंबर है 7804 और 7804 भी रहता है। तो इस तरह के कॉमन आईसी यहाँ पे लगा रहता है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को इस तरह के घुमा के आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सेक्शन है जो आप देख रहे होंगे, ये जो सेक्शन हमारा हो गया वर्टिकल सेक्शन, और वर्टिकल सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ लगा हुआ है सबसे पहले आपको उसको देखना होगा। सबसे पहले तो हमारा मेन जो आईसी है ये हीट सिंक के साथ कनेक्टेड है ताकि ज़्यादा ओवर हीटिंग हो गई, ये हमारा आईसी ख़राब ना हो जाए जल्दी से। उसके बाद कुछ यहाँ पे देख सकते हो हाई वोल्टेज का हाई वाट का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद कुछ कैप्सिलर इस साइड भी लगा हुआ है, कुछ कैप्सिलर इस साइड भी लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पे 3-4 डायोड लगा हुआ है, जो कि 2 डायोड से जो हमारा पावर सप्लाई से, ये हो गया हमारा पावर सप्लाई सेक्शन। इस पावर सप्लाई से हमारा इस आईसी को वोल्टेज देने के लिए कुछ डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, और कुछ यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ पे छोटे छोटे कैपेसिटर और हाई वाट का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और यहाँ पे जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर ये जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस ख़राब हो जाए तो आपके टीवी के अंदर ब्लर पिक्चर और जो आप डिस्प्ले पे अभी देख रहे होंगे इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए गाइस, आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए मैंने एक सिमेट्रिक डायग्राम ड्रॉ किया हूँ। चलिए उस डायग्राम को आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो गाइस, ये रहा हमारा डायग्राम, और इस डायग्राम के अंदर मैंने 2-3 से ज़्यादा डायग्राम ड्रॉ किया हूँ। सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेक्शन किस साइड को बोला जाता है। तो ये मान लीजिए हमारा जो टीवी का जो पिक्चर ट्यूब है, ये पूरा हमारा पिक्चर ट्यूब, और पिक्चर ट्यूब का जो ऊपर और नीचे का जो सेक्शन होता है ये हो गया हमारा वर्टिकल, इसको बोला जाता है वर्टिकल और इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर टीवी के अंदर कोई वर्टिकली प्रॉब्लम आए तो इसका मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन के अंदर फॉल्ट हुआ है, और अगर हॉरिजॉन्टल सेक्शन में हमारा कोई पिक्चर ट्यूब में फॉल्ट आए तो उसको आपको चेक करना होगा वर्टिकल सेक्शन में। तो इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन की बात आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आसानी से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले इस पिक्चर को आप देखिए, इस पिक्चर के अंदर कुछ इस तरह के लाइन आपको दिख रहा होगा जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन आपको इस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए आपको वर्टिकल सेक्शन में आपको फॉल्ट फाइंडिंग करना होगा, क्योंकि जो सीआरटीटीवी के मदरबोर्ड होता है वो वर्टिकली जो प्रॉब्लम आएंगे वो आपको हॉरिजॉन्टल जो सेक्शन है वहाँ पे आपको फॉल्ट आएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल सेक्शन में अगर आपका फॉल्ट आए तो आपको वर्टिकल सेक्शन में फॉल्ट ढूंढना होगा। तो जैसे कि ये हमारा जो फॉल्ट है इस तरीके से है फॉल्ट, इसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्टिकल सेक्शन में आपको फॉल्ट ढूंढना होगा। ये तो हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेक्शन की हमारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुका है। अब बड़ी आते हैं कि हमारा ये जो एक आईसी का पिक्चर दिख रहे होंगे, इसका जो अलग अलग लेग्स है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस 7 के हिसाब से हमें कितना पॉइंट पे कितना 1 नंबर पिन से लेकर 7 नंबर पिन तक हमें कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, और हमारा जो 5.5 पिन से ये किस लिए पिन दिया गया है। तो चलिए इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना हो, 1 नंबर जो पिन है ये होता है हमारा इनवर्टिंग इनपुट के लिए,
अगर आपको पता नहीं है कि इन्वर्टिंग इनपुट क्या होता है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा इन्वर्टर इनपुट क्या होता है। कि जैसे कि देख सकते हो ये हमारा वर्टिकल आईसी और इस आईसी के ये हो गया हमारा एक नंबर पिन, यहाँ पे हमारा ये हो गया जो फर्स्ट नंबर पे एक नंबर पिन है, तो इस नंबर पिन हमारा इन्वर्टिंग इनपुट के लिए हो गया है, जो कि आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखेगा। अगर वोल्टेज की तरह आप मेजर करोगे तो आपको 2.0 इस तरह के आपको वोल्ट आएंगे इस इन्वर्टिंग इनपुट पे, अगर ऐसे नहीं लगा हुआ है तो। उसके बाद हम दो नंबर पिन की बात करें तो दो नंबर पिन जो है आपको यहाँ पे ये रहा आपका दो नंबर पिन, तो ये हमारा दो नंबर पिन हो गया VCC। तो VCC कितना मिलेगा आपको, ये जो IC नंबर है 78040 जो कि इसके अंदर लगा हुआ है, तो अगर एक्यूरेटली आप इसको मेजरमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले इस IC का डेटा सीट आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस IC के अंदर जो VCC वोल्टेज, यानी कि इस IC को एक्टिवेट करने के लिए हमें कितना वोल्टेज की ज़रूरत होगी उसको आपको मिल जाएंगे, और उसी के हिसाब से दो नंबर पिन पे आपको वोल्टेज मिलेंगे। और अगर तीन नंबर पिन की बात करें तो ये हो गया पावर पंप आउट वोल्टेज के लिए हमारा ये यूज़ किया जाता है, जो कि हमें 25 वोल्ट से लेकर 27 वोल्ट तक हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेंगे। उसके बाद हम चार नंबर पिन की बात करें तो आपको यहाँ पे ये ग्राउंडेड रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको ऑपरेट करने के लिए हमें VCC और ग्राउंड वोल्टेज की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरीके से इस IC के अंदर भी हमें VCC ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, इसके लिए चार नंबर को ग्राउंड के लिए यूज़ किया गया है। उसके बाद हम बात करें कि पाँच नंबर पिन का, तो पाँच नंबर पिन हमारा आउटपुट निकालेगा, जो कि आपको सीधे के सीधे आपको कहाँ जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, कि यहाँ पे जो चार जो टीवी के अंदर वर्टिकली जो यहाँ पे देख सकते हो कि वर्टिकली जो आपको एक लाइनिंग दिख रहा है, इसका जो रेजुलेशन है उसको सेट करने के लिए जो वोल्टेज की ज़रूरत होती है वो वोल्टेज पाँच नंबर पिन से आउट होके सीधा आपका जो क्या होता है कि जो पिक्चर ट्यूब है उसके अंदर जाएंगे, जिसके बाद ही हमारा जो पिक्चर सही से रेजुलेशन सही होगा। उसके बाद हम छः नंबर पिन की बात करें तो छः नंबर पिन भी हमारा आउटपुट है, जो कि ये भी हमारा आपको पता ही होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एक पिक्चर ट्यूब के ऑपरेट करने के लिए हमें आउटपुट वोल्टेज, हॉरिजॉन्टल आउटपुट वोल्टेज, वर्टिकल आउटपुट वोल्टेज और कुछ पंप आउट की वोल्टेज, इस तरह की वोल्टेज की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें यहाँ पे पाँच नंबर पिन पे 15 वोल्ट के आउटपुट आपको मिलना चाहिए, और सिक्स नंबर पिन पे आपको 25 से 30 वोल्ट के अंदर आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैंने वोल्टेज को लिखना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे वोल्टेज को लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में और भी आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे गाइस लिख दिया हूँ आप लोगों के लिए कि हमें जो सिक्स नंबर पिन है यहाँ पे हमें 25 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक हमें मिलना चाहिए। उसके बाद आते हैं कि सेवन नंबर पिन, तो सेवन नंबर पिन पे हमें इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। एक नंबर पिन पे हमें तो इन्वर्टिंग इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है, और सेवन नंबर पिन हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था गाइस कुछ वर्टिकल IC के बारे में कुछ जानकारी। उसके बाद आपको बता देता हूँ कि अगर वर्टिकल IC आपका सही है फिर भी आपके पिक्चर ट्यूब के अंदर कुछ इस तरीके का अगर फॉल्ट आए कि आधा पिक्चर आ रहा है सही और आधे में आपको ब्लैक ब्लैक दाग आ रहा है या कि ब्राइटनेस कम हो रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस रेजिस्टेंस को आपको चेक करके देखना होगा कि हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हुआ है कि बहुत, यानी कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा वोल्टेज की वजह से ये बर्न हो जाता है, जिसके वजह से पिक्चर में हमारा एबनॉर्मल पिक्चर होता है, सही से नहीं हमारा पिक्चर बन रहा होता है। और उसके बाद हम बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे आप जैसे ही TV चालू किए हो फर्स्ट बार, तो आपका जो पिक्चर है धीरे धीरे ऊपर जाते रहेगा और ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे नीचे आएगा। इस तरह की अगर प्रॉब्लम आए तो आपको सबसे पहले जो कैपेसिटर है, कोई कैपेसिटर खुला हुआ है कि इस तरह की कैपेसिटर आपको देखना होगा, जो कि अगर खुला हुआ कैपेसिटर है तो उसको आपको रिप्लेस करना होगा। ज़्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम कैपेसिटर ख़राब होने से ही होता है। तो ये था गाइस कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहता था।
और गाइस कभी कई बार ऐसा होता है कि जो आईसी है, आईसी के अंदर जो मेन सप्लाई वोल्टेज आता है ये अलग अलग बोर्ड के अंदर अलग अलग जगहों पे आता है। जैसे कि मैं आपको बात करूं कि यहाँ पे जो आईसी लगा हुआ है इस बोर्ड के अंदर, आपको इस बोर्ड में बायसिंग करने के लिए आपको जो पावर सप्लाई है ये पावर सप्लाई के ज़रिए ही आता है, यानी कि पावर सप्लाई से डायरेक्ट हमारा ये जो वर्टिकल आईसी है इसके अंदर पावर आते हैं। लेकिन किसी किसी बोर्ड में जो ESD का पावर सप्लाई यानी कि आउटपुट ट्रांजिस्टर है, इसके जरिए आउटपुट जो फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर है उसके जरिए हमारा इसके अंदर पावर आता है। तो इसको आपको पहले चेक करना होगा कि हमारा जो पावर है और वोल्टेज है वो कौन से साइड से आ रहा है, कनेक्टेड है कि हमारा पावर सप्लाई के साथ है या हमारा जो ESD ट्रांसफार्मर की आउटपुट है वहाँ से आते हैं। तो ये था गाइस कुछ वर्टिकल सेक्शन के बारे में जानकारी। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको डिसलाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए किसी के भी बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड, और अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी जरिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैं पहले से ही 80 से 90 वीडियो LCD LED TV रिपेयरिंग के ऊपर डाल के रखा हूँ। तो आप लोगों ने अगर सोच रहे हो कि LCD LED TV रिपेयरिंग सीखना, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा उन सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का, तो जाके देखिए उन सारे वीडियोस को। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।